हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा 1.1 पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, और ये जो आपका चैप्टर है वो आपका 8 क्लास का चैप्टर है बाल भारती का। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में किस तरीके से सोच रखते हैं, यहाँ पे एक बच्चे की किस तरीके से सोच है, वो अपने सामने वाले व्यक्ति से किस तरीके से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करता है, वो सारी चीजें आज के इस पोयम के अंदर, कह लो आप इस छोटे से एक पैराग्राफ के अंदर आपको सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताई जाएगी। ओके, तो अगर आप देखोगे कि इसका जो टाइटल है, उसका टाइटल आप देख सकते हो कि इसका टाइटल ही उस तरीके से लिखा गया है जैसे पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। ओके, और ये तीन चीजों के बारे में ही यहाँ पे हम लोग जो पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन है वो हम लोग करने वाले हैं। पहले पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया या फ्यूचर हो गया। ओके, तो पहला जो हमारा स्टेंजा है वो हमारे पास्ट के ऊपर है, जिसके अंदर जो राइटर है वो कहते हैं कि टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड। वो अपने एक जो छोटे से बच्चा है उससे पूछते हैं कि टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक द दी, यानी वो किसके बारे में बात करें, यहाँ पे पास्ट के बारे में, यानी जो हमारा पास्ट के जो भी मेमोरीज है उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, एन एंथम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड व्हाट अ विंड दैट सीट मोर फुली। ओके, तो इस चैप्टर को अगर, इस स्टैंजा को अगर हम लोग कंप्लीटली अगर हिंदी में एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर क्या कहा है अगर हम लोग वो देखें, तो इस पंक्ति के अंदर जो एक अंश है उसके अंदर क्या कहा है कि जो एक बच्चा है वो बच्चे से पूछा जा रहा है कि उसकी जो पास्ट की जो मेमोरी है उसके बारे में वो क्या सोचता है। ओके, तो इसके बेसिकली यहाँ पे हम लोग पहले स्टेंजा के अंदर पास्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चा होता है, स्मॉल चाइल्ड होता है, वो सिंपल सा आंसर करता है कि वो एक पास्ट को अपने कैसे देखता है कि जो उसकी जो पास्ट की जो मेमोरी है वो बहुत ही सुंदर, ओके, अति सुकून, शाम की याद दिलाता है। यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा जो सनसेट होता है, अगर आप कभी बीच पे गए हो, अगर आपने सनसेट देखा होगा कितना सूदिंग होता है, कितना मनमोहक होता है, जिसको देखने का दिल आपका बहुत करता है, जो आप चाहते हो कि उसको आप देखते रहो। ओके, तो वो सेम फीलिंग वो अपने पास्ट के बारे में कहता है कि जो मेरा पास्ट था वो हमें एक ढलते हुए अति सुकून शाम की याद दिलाता है, जिसमें एक कोमल और मधुर बाहरी शाम का अनुभव होता है। ओके, जिसमें हल्की सी हवा भी होती है, सॉफ्ट एंड माइल्ड एंथम इवनिंग होती है। ओके, उसमें वो कहता है कि जो उदासी से स्पष्ट भावनाओं को जगाती है, और अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं अपनी परेशानियों को भूलने के लिए बीच पे जाते हैं, शाम को अपना वे जो समय है वो वहां पे व्यतीत करते हैं। ओके, तो ऐसे ही सेम ये जो बच्चा है वो अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में वो कहता है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी या फिर जब भी मैं कभी थोड़ा सा असंतुष्ट होता था तो मैं उस चीज को वहां पे जाके भुलाता था, जिससे बच्चे के मन में पुराने समय कि एक जो स्नेहपूर्ण और रोमांचक वातावरण का जो अनुभव है वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका पास्ट है वो उस बच्चे का पास्ट है। ओके, उस बच्चे ने अपने पास्ट को किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़े तो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कहा है, टेल मी वॉट इज द प्रेजेंट हॉर, यानी अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा आज है। ओके, उसके बारे में यहाँ पे बात करें, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अ ग्रीन एंड द फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सीट गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जो आपका स्टेंजा है उस स्टेंजा के अंदर जो एक जो बच्चा है वो बच्चे से पूछा जा रहा है, ओके, कि वे अभी के बारे में, हमारे प्रेजेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं। ओके, तो इस पे जो चाइल्ड होता है, स्मॉल चाइल्ड होता है, वो आंसर करता है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो एक हरी और जो फूलदार स्प्रे होती है ना, उसका अनुभव देते हैं। ओके, जैसे फ्लावरी स्प्रे और एक ग्रीनरी चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलती है, कितना मनमोहक होता है, वो सेम फीलिंग आपको आज के प्रेजेंट डे में आपको मिल रही है। ये सेम जो बच्चा होता है वो एक्सप्लेन करता है, जवाब देता है। ओके, जिसमें एक जवान चिड़िया अपनी शक्ति इकट्ठा करती हुई बैठी है ताकि वो उड़ान भर सके। ओके, जिसमें वेयर यंग बर्ड सीट गैदरिंग इट्स पावर, यानी एक छोटी सी बच्ची, जो एक छोटी सी चिड़िया है, वो अपने पावर को गैदर करके बैठी है ताकि वो छलांग भर सके, और छलांग भर के वो पहाड़ों की ऊंचाई तक
जा सके और जो भी वहां पे वो चीजें हैं वो लाइफ के अंदर अचीव कर सके। ओके, यहाँ पे एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको पोयम दी जाती है, जो भी आपको चीजें पाठ्यक्रम में सिखाई जाती है, वो सारी की सारी अपने जीवन से आपको प्रेरित करने के लिए दी जाती है। आप किस तरीके से उसको अपने लाइफ में उतार सकते हो, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक जब छोटी सी चिड़िया पहाड़ जितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता वो काम। ओके, तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेन फोकस बच्चे लोग यही देखना है कि आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो। अगर आप पी से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा जो सक्सेस है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को है वो आसानी से आपको मिल जाती है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट स्टेंजा है, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में। ओके, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, ए सी बेंथ अ क्लाउडनेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी स्ट्रेचिंग इन टू द इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पे अभी वो अपने फ्यूचर को लेके जो एक बच्चा है, ओके, वो जिसमें जिसने में बोलता वो, जो बोलने वाला एक व्यक्ति है वो एक बच्चे से पूछ रहा है कि वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। ओके, जिसपे जो बच्चा है वो क्या करता है, आंसर करता है और वो बोलता है कि वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है कि जो एक फ्यूचर होना चाहिए वो बिना संकटों वाला, यानी क्लाउडलेस सन। जिस तरीके से यहाँ पे आपको जो जो वर्ड दिए है ना बच्चे लोग, ये वर्ड का कुछ कुछ मीनिंग है जो आपके लाइफ के साथ रिलेट करता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। ओके, तो ये जो परेशानी होती है ना आपके लाइफ के अंदर, वो परेशानी यानी क्लाउड, तो क्लाउडलेस सन यानी हमारा जो लाइफ है वो क्लाउडलेस सन यानी एक जो चमकता हुआ सूरज होता है उसके बीच में किसी तरीके का जो एक अवरोध है वो नहीं आना चाहिए। किसी तरीके का कोई एक जो बीच में जो डिस्टर्ब करे उस चीज को, वो नेगेटिविटी को वो क्या करना चाहिए, अपने लाइफ से दूर रखना चाहिए। ये एक बहुत ही कमाल का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसके बहुत सारी चीजें आप सभी सीख सकते हैं। ओके, तो वो कहता है कि अब मैं अपने फ्यूचर में एक क्लाउडलेस सन देखना चाहता हूँ। ओके, नीचे एक समुद्र का अनुभव होगा जो अतिशय महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और दिव्य होगा, और साथ में मैं जो एक सी है यानी जो समुद्र है, बहुत बड़ा जो महान समुद्र है, उसकी जो ग्लोरियस है, उसका जो डेजलिंग है, ओके, यानी जो उसकी जो उसका एक अनुभव है, जो उसका एक प्रभाव है, वो मैं उसका देखना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद वो ये भी कहता है कि इस समुद्र को असीमित दिखा जाता है और इससे अंततता तक फैला हुआ होता है। इसमें बच्चे के मन में भविष्य के एक उज्जवल और सफल वातावरण का जो अनुभव है आपको इस कविता से देखने को मिलेगा। यानी वो पास्ट को लेके भी एकदम संतुष्ट है, अपने प्रेजेंट को लेके भी वो प्रेजेंट कैसा चाहता है, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी, फ्लावरी स्प्रे की तरह, जिस तरीके से लोग क्या करते हैं किसी काम को लेके अपने अंदर एक हौसला जो पावर है वो समेट के रखते हैं, उसी तरीके से जो बच्चा है वो अपने अंदर एक हौसला है, पावर है, वो समेट के बैठा है। वो अपने फ्यूचर को लेके भी उसी तरीके से एकदम श्योर है कि वो अपने लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी जो गलत थॉट है, उन सारी चीज़ों को वो अपने लाइफ से एलिमिनेट करना चाहता है। ओके, तो ये सेम चीज़ें आप बच्चे लोग अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यही इस जो पूरा एक पोयम है उसका जो मेन एक मोटो होता है किसी भी पोयम का, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा यूनिट वन का जो हमारा 1.1 जो पहला कविता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ पे खत्म होता है। ओके, इसका जो एक्सरसाइज है कह सकते हो, ओके, तो वो बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप सभी से पहला सबसे पहला यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओवरऑल सारे के सारे वीडियोस आपको 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास के सारे वीडियो मिलेंगे इस आपको चैनल के ऊपर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शेयर कर दो और अपने दोस्तों से भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।